शाम का समय था, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर एक छोटा सा बालक लगातार चलता ही जा रहा था। आखिर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था, यही उसके पिता की आज्ञा थी, यही उस बालक का लक्ष्य था। यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते हैं, उस बालक को यमराज से मिलना था। लगातार काफी समय तक चलने के बाद वो बालक यमपुरी के द्वार पर पहुंचा, जहां दो यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। लेकिन तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझे यमराज जी को दान कर दिया है। यह कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं जो यमपुरी यमराज जी से मिलने चला आया? यमदूत उसे डराने लगे, पर नचिकेता अपने निर्णय से नहीं हटा। वो बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, यमराज जी इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा, मैं यहीं द्वार के पास बैठ जाता हूँ। यमदूत ने सोचा कि छोटा बालक है, कुछ देर पश्चात वहाँ से चला जाएगा, इसलिए यमदूत भी अपने कार्य में लग गए। सहसा नचिकेता उस घटना को याद करने लगा जिस कारण वो यमपुरी आया था। नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया और विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उन्होंने उस यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वे उन गायों को दे रहे थे जो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी और दूध भी नहीं देती थी। ऋषि वाजश्रवा ने तो कहा था कि वो बहुत कुछ दान में देंगे, पर उन्होंने तो बूढ़ी और बीमार गाय हमें दान में दे दी है। अब क्या ही कह सकते हैं, जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक, चलो चलते हैं यहाँ से। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व वाजश्रवा ने घोषणा की थी कि वो यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इस कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो सब लोगों को बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ कह न सका। वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से ये देखा नहीं गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का ये मोह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। लेकिन ये गाय तो बूढ़ी है, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं? जाओ अपना काम करो। पर पिताजी, दान में वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं ही हूँ। आप मुझे किसी को दान में दे दीजिए। नचिकेता की इस बात का वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता बार बार यही प्रश्न करता रहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे? जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। हे ईश्वर, क्रोध में मैंने ये क्या कह दिया, मैंने अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। जो आज्ञा पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। वाजश्रवा ने बहुत समझाया, पर नचिकेता नहीं माना। पुत्र, मैंने क्रोधवश तुम्हें ऐसा कहा था, तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम वहां नहीं जा सकते। नचिकेता ने तो ठान लिया था कि वो अपने पिता की कही बात को मानेगा। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी ये सुना वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोचता रहा। उसे तो यमराज जी के आने का इंतजार था, पर साथ ही उसे इस बात का संतोष था कि वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। लगातार 3 दिन तक नचिकेता यमपुरी के द्वार पर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंक गए। उन्हें यमदूतों से सारी बात मालूम हुई। उन्होंने नचिकेता को अपने पास बुलाया। मैंने तुम्हारे बारे में यमदूतों से सब जान लिया है। पुत्र, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूँ, पर ये यमलोक है, यहाँ पर मृत्यु के बाद ही रहना पड़ता है। अभी तुम्हें वापस लौटना होगा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वो बोला,
यमराज जी, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो पहला वरदान आप ये दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे। ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगो। यमराज जी, मेरे पिता ने ये यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था। कृपा करके आप ऐसा मार्ग बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज जी ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बता दिया कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसे स्वर्ग प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो। अपना तीसरा वरदान मांगो पुत्र। हे यमराज जी, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य जानने हैं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बोले, नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। नचिकेता ने बार बार उनसे यही वरदान मांगा, तब यमराज जी बोले, किसी की मृत्यु क्यों होती है इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। यमराज जी से बहुत से प्रश्नों के उत्तर जानकर और ब्रह्म ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश ग्रहण करके नचिकेता वापस अपने पिता के पास लौट आता है और विद्या अध्ययन करता है। आगे चलकर नचिकेता एक महान विद्वान बनता है और संसार में नचिकेता का नाम अमर हो जाता है। दीनानाथ हाथ रिक्शा चलाता था। सुबह से रात तक वो लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता और उससे जो पैसे मिलते उसी से उसका और उसकी गर्भवती पत्नी विमला का गुजारा चलता था। दीनानाथ कभी बस स्टैंड पर तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी किसी मॉल के बाहर खड़ा रहता और यात्रियों का इंतजार करता। रामपुर, मायागंज, नाथनगर, भागलपुर, अरे भाई सूरजपुर चलोगे क्या? सूरजपुर? हाँ साहब चलूंगा ना। और कितने पैसे लोगे? साहब 20 रुपए। अरे 20 तो बहुत ज्यादा है, मैं 15 दूंगा भाई। चिलचिलाती गर्मी के कारण दीनानाथ की बोहनी नहीं हुई थी। वो 15 रुपए में सूरजपुर जाने को तैयार हो गया। सारा दिन वो इस तरह लोगों को पहुंचाता। कभी उसे मन मुताबिक पैसे मिल जाते तो कभी कम, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन जब वो सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकल रहा था तो विमला, अरे ओ विमला, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू ठीक से खाना खाना, जरा सी भी लापरवाही ना करना, तुझे पता है ना तेरी कोख में एक नन्ही सी जान जो पल्ली है। जी हाँ हाँ बिल्कुल पता है, वैसे भी जब आप जैसे ध्यान रखने वाले पति हो तो लापरवाही कैसे हो सकती है। विमला की बात पर दीनानाथ मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा, फिर वो काम पर चला गया। उस दिन भी भयंकर गर्मी थी, पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया था। संयोग से उस दिन भी गर्मी के कारण उसकी बोहनी नहीं हुई थी और दोपहर के बाद जब उसके रिक्शे पर एक पैसेंजर बैठा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उस समय उसे पैसों की कितनी जरूरत है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, एक पैसेंजर तो मिला। दीनानाथ उस पैसेंजर को उसकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए चल पड़ा, लेकिन आधी दूरी पर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगा और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसे रास्ते में लकवे का अटैक आ गया, उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया। किसी तरह उसके कुछ दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। विमला भी भागी भागी अस्पताल पहुंची। देखना विमल, क्या हो गया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे यार भाई, मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब बता कैसे चलेगा हमारा जीवन, क्या होगा हमारे आने वाले बच्चे का भाई। विमला क्या जवाब देती अपने पति के सवालों का। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से घर आ गया, लेकिन वो सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ था कि अब घर कैसे चलेगा। 2 दिनों से उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो बेचारा इतना असहाय था कि बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। अरे आप रोते क्यों हैं? दुख दिया है भगवान ने तो वो इससे निकालेगा भी। आप चिंता न करें, मैं चलाऊंगी रिक्शा, मैं करूंगी काम, फिर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तू, अरे ऐसी हालत में तू कैसे काम करेगी? हे भगवान, ये किस संकट में आपने हमें डाल दिया। आप चिंता नहीं करें, संकट है तो संकट टलेगा भी, मैं करूंगी काम। आज तक आपने किया है ना, आपने रखा है ना मेरा ध्यान, अब मेरी बारी है। गर्भवती विमला रिक्शा चलाने लगी। शरीर को जला देने वाली भीषण गर्मी में वो रिक्शा चलाती और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती।
हालांकि कुछ लोग उसके रिक्शे में बैठने से कतराते और कुछ आसानी से बैठ जाते। अरे तू चला लेगी ना रिक्शा है? हाँ साहब, क्यों नहीं चलाऊंगी, ये मेरा काम है, यही रोटी है मेरी। पसीने से लथपथ और एक मासूम जिंदगी को अपने पेट में लिए विमला अपने परिवार की गाड़ी किसी तरह खींच रही थी, लेकिन अभी तो उसके जीवन में एक और तूफान आने वाला था। यमलोक में यमराज अपने यमदूतों से उसके पति दीनानाथ को लाने की बातें कर रहे थे। यमदूतो, बहुत दिन हो गए मैं पृथ्वी लोक नहीं गया हूँ, इसलिए इस बार इस व्यक्ति को लाने मैं स्वयं जाऊंगा और पृथ्वी लोक का थोड़ा भ्रमण भी कर लूंगा। यमराज ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बनाया और पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। पृथ्वी लोक धीरे धीरे कितना बदल गया है, कितने वाहन हो गए हैं सड़क पर, क्यों ना मैं भी कोई वाहन ले लूं और थोड़ा भ्रमण कर लूं। तभी यमराज की नजर विमला पर गई, जो रिक्शे के पास खड़ी होकर यात्रियों को बुला रही थी। रामपुर, मायागंज, नाथनगर, भागलपुर। देखो, हम इस शहर में नए हैं तो हमें यहाँ के इलाके का पता नहीं है, क्या तुम मुझे इस शहर का भ्रमण करवा दोगी? जी बाबा, आइए बैठिए मेरे रिक्शे में। उस भीषण गर्मी में विमला यमराज को अपने रिक्शे में बिठाए शहर घुमाती रही। फिर अचानक यमराज को ध्यान आया कि शहर घूमने में बहुत सारा समय बीत गया है, अब उन्हें दीनानाथ के घर उसके प्राण हरने के लिए जाना होगा। इस बच्ची ने हमें बहुत देर घुमाया, इसी से मैं उस दीनानाथ के मोहल्ले का पता पूछ लेता हूँ। यमराज ने विमला से दीनानाथ के मोहल्ले का पता पूछा। अरे मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ, चलिए ना आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, अब हम स्वयं चले जाएंगे। यमराज विमला के रिक्शे से उतर गए और जाने लगे तो विमला ने उनसे पैसे मांगे। पैसे? वो क्या होते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या रिक्शे में सवारी करने के पैसे लगते हैं? लेकिन मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर विमला थोड़ा चौंक गई। वो तो इसी आस में उस बूढ़े व्यक्ति को घुमा रही थी कि उसे कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। कोई बात नहीं बाबा, पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप कहिए तो मैं पते तक आपको छोड़ दूं जहां आपको जाना है। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं स्वयं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यमराज पैदल ही दीनानाथ के मोहल्ले की ओर निकल पड़े। वो चलते रहे चलते रहे, लेकिन उन्हें दीनानाथ का घर नहीं दिखा। गर्मी के कारण उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी, उनका गला सूखा जा रहा था। ओह, कितनी प्यास लग रही है, मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी उनकी नजर एक पानी की बोतल बेचने वाली पर गई। उनका मन पानी पीने का कर रहा था, लेकिन उनके पास तो पानी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी उन्हें विमला फिर से दिखाई दी, जो उसी तरफ रिक्शा लेकर आ रही थी। उस परेशान बूढ़े व्यक्ति को फिर से देखकर विमला उसके पास गई और कहा, क्या हुआ बाबा, क्या आप उस पते तक नहीं पहुंच पाए, चलिए ना मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे क्यों नहीं, विमला की कमाई उस दिन सिर्फ 12 रुपए ही हुई थी। उसने उन 12 रुपयों से पानी की बोतल खरीद कर यमराज के वेश में उस बूढ़े आदमी को दे दी। यमराज विमला के प्रेम और दया से भरे हृदय को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, बेटी तुम्हारा दिल दया से भरा हुआ है, मेरे पास रुपए तो नहीं है लेकिन आशीर्वाद है, मैं तुम्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद यमराज दीनानाथ के घर उसके प्राण हरने के लिए पहुंच गए, और जैसे ही वो उसके प्राण हरने लगे तो विमला वहां आ गई। उन्होंने उस बूढ़े इंसान को यमराज के वेश में देखा तो, बाबा आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यमराज हूं बेटी, इसके प्राण हरने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, अभी अभी आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और अभी मेरे पति को मार रहे हैं आप? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ बाबा। यमराज ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। यमराज धर्म संकट में फंस चुके थे, एक तरफ उन्हें दीनानाथ के प्राण हरने थे और एक तरफ उसकी पत्नी को उन्होंने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। विमला की दया से भरे हृदय ने उनका मन भी तो मोह लिया था। बेटी मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे प्रेम से भरे हृदय, दूसरों की मदद करने की चाह ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है, मैं इसके प्राण नहीं हरूंगा, और हाँ मैं तुम्हारे पति को अभी के अभी स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी देता हूँ। उसके बाद यमराज ने दीनानाथ को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनका घर धन धान्य से भी भर दिया। फिर वे यमलोक को प्रस्थान कर गए। ये देखकर विमला और दीनानाथ दोनों की आंखों में आंसू थे और वे बार बार यमराज को धन्यवाद कर रहे थे।